यूं तो मोनोहाल मिलत का हर एक अतफाल होता है, बात उसकी करो जो खुद में आप अपनी मिसाल होता है। यूं तो मोनोहाल मिलत का हर एक अतफाल होता है, बात उसकी करो जो खुद में अपनी मिसाल होता है। और रहमत खुदाबंदी जब बरसती है किसी कौम पर काशिफ, और रहमत खुदाबंदी जब को किसी कौम पर बरसती है काशिफ, तो हजार सदियों के बाद पैदा एक इकबाल होता है, एक इकबाल होता है। इकबाल जैसी हस्ती के बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। 23 मार्च 1940 को कुरान दर्ज पाकिस्तान पेश हुई तो हमारे मोहतरम कायद आपके मजार पर गए और सबसे पहले जो बात कही वो यही कही कि हमने वही किया जिसका हुक्म हमें इकबाल ने दिया। बस इसी कदम के साथ मुझे इजाजत मिली, छोटे से कदम के साथ इकबाल की मोहब्बत के बारे में कि मेरे दिल में उनकी मोहब्बत कैसे है, वो कैसे हमारी जिंदगी में शामिल है। तू मेरे लहजे मेरे किरदार मेरे अंदाज में शामिल है, तू मेरी गुफ्तार मेरी पुकार मेरी आवाज में शामिल है, तू मेरे रुतबे मेरी बुलंदी मेरे एजाज में शामिल है, तू मेरी मंजिल मेरे सफर मेरी परवाज में शामिल है, तू मेरी हर सतर हर तहरीर हर अल्फाज में शामिल है, तू मेरा नगमा मेरे गीत मेरे साज में शामिल है, तू मेरी हर खुशी हर गम हर राज में शामिल है, तू मेरी तनकीद मेरी इसलाह मेरे एतराज में शामिल है। और मेहमान खुशी की नाबाहिश है, तू मेरे इख्तिताम तू ही दरमियान तू ही आगाज में शामिल है, तू मेरी इबादत मेरी दुआ मेरी नमाज में शामिल है, तू मेरे मंजे मेरे करदार मेरे अंदाज में शामिल है। तो दो शेर और जहां अगर मौका मिला माइक का भी पहली बार कुछ ऐसा क्योंकि जो कौमें अपने इन लीडरों को बुला देती हैं इसमें कोई शक नहीं तो वो पस्ती की तरफ ही जाती है। और दिल बहुत खुश हुआ इनकी तस्वीरें अपने पीछे देखकर, अपने आप का फर्ज समझता हूं कि यहां पर खड़ा हूं इनकी छाया में कुछ कह रहा हूं। और अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान के तमीमी नसाब से आज इकबाल का कलाम गायब हो जाना अफसोसनाक है हम सबके लिए, लंबा फिक्रिया है। और इसी से डर लगता है, इंसान को इंसान से डर लगता है, जुबान को बयान से डर लगता है, जुबान को बयान से डर लगता है, रुझान को फुकदान से डर लगता है, जुबान को बयान से डर लगता है, रुझान को फुकदान से डर लगता है, और मजबूर को अनुमान से डर लगता है, और मजबूर को अनुमान से डर लगता है, अरमान को गुमान से डर लगता है, इंसान को इंसान से डर लगता है, इंसान को इंसान से डर लगता है, अनजान को पहचान से डर लगता है, अनजान को पहचान से डर लगता है, मेजबान को मेहमान से डर लगता है, गुलिस्तान को निगहबान से डर लगता है, गुलिस्तान को निगहबान से डर लगता है, इंसान को इंसान से डर लगता है, गिरेबान को दरबान से डर लगता है, पासबान को तूफान से डर लगता है, गिरेबान को दरबान से डर लगता है, पासबान को तूफान से डर लगता है, एवान को हुक्मरान से डर लगता है, सुल्तान को जिंदान से डर लगता है, इंसान को इंसान से डर लगता है, क्या बात है, इंसान को इंसान से डर लगता है, गिरेबान को दरबान से डर लगता है, पासबान को
तूफान से डर लगता है, एवान को हुक्मरान से डर लगता है, सुल्तान को जिंदान से डर लगता है और मौजन को अजान से डर लगता है, इंसान को इंसान से डर लगता है। तो दो शेर नाम है मोहतरम सिर्फ शाह साहब के नाम जो ताले लिखे हुए भी सुनाया था जी। असल बाकी अब शायद दुआ में नहीं है, असल बाकी अब शायद दुआ में नहीं है, वफा बाकी अब शायद वफा में नहीं है, रंग बाकी अब शायद हिना में नहीं है, जिया बाकी अब शायद जिया में नहीं है, शर्म बाकी अब शायद हया में नहीं है, शर्म बाकी अब शायद हया में नहीं है, अना बाकी अब शायद अना में नहीं है, मौत बाकी अब शायद कजा में नहीं है, फना बाकी अब शायद फना में नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब, पाकिस्तान जिंदाबाद। सब बड़ा फख्र।